हेलो बच्चों, क्या हाल है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.3 का। और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं। इन ए पोटैटो रेस, पोटैटो की एक रेस लग गई। ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रख दी गई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। या फर्स्ट पोटैटो कोई होगा उससे 5 मीटर में उठा के इसके अंदर चला गया, इसलिए यहाँ पे बना हुआ नहीं है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, दूसरे 3-3 मीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ये कुछ बाकी हैं बचे में और बाकी सब डाल दिए गए। देर आर 10 पोटैटोज, 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है इन ए लाइन, एक लाइन में, ठीक है। एक कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, ये स्टार्ट करता है बकेट से। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पास वाला उठाता है। एंड रन बैक विद इट, और उसके साथ वापस दौड़ के इसके अंदर डाल देता है। ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर उसके लिए दूसरा पोटैटो उठाता है, फिर उसे दौड़ के फिर डाल देता है, फिर तीसरा उठाता है, फिर उसे डालता है। इस तरह करते करते लास्ट में 10 वाला पोटैटो भी उठाता है और इसमें डाल देता है। शी कंटिन्यूड, लड़की है, शी कंटिन्यूड इन द सेम वे, सेम वे में वो करती रहती है। अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक सारे पोटैटोज उसमें बकेट में नहीं आ जाते। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दी कंपिटिटर हैज़ टू रन, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। पहला पोटैटो उठाया, फिर दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां। तो टोटल डिस्टेंस एक तो ये वार का कवर हुई इसके जाने जाने में, दूसरी डिस्टेंस कवर करी जब पहला उठाया वापस इसमें डाला ये, फिर दूसरा उठाया फिर उसे उठाया, यानी कि पहले यहाँ तक आएगी फिर ये वापस जाएगी, फिर ये यहाँ तक आएगी फिर वापस जाएगी, फिर ये यहाँ तक आएगी फिर ये, एक बार जितनी डिस्टेंस जाने में लग रही उतनी डिस्टेंस उसे वापस लाने में लग रही। तो इसे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले जाने वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो जाने वाली डिस्टेंस निकलेगी उसकी डबल उस सेम ही डिस्टेंस क्या होगी उसकी आने वाली निकलेगी, तो उस डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी कि आने जाने में कितनी डिस्टेंस लगी है। ओके, तो शुरू करते हैं। देख लिया आपने सवाल, पढ़ लिया, समझ में आ गया, अब हम शुरू करते हैं। इसे थोड़ा सा ढक देते हैं। पोटैटो 5-3-3 पे डिस्टेंस पे ही हमें याद रहेगा। सॉल्यूशन, दी डिस्टेंसेस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट आर, पहला कितनी थी 5, दूसरी थी 5 प्लस 3 8, और 8 प्लस 3 11, 14 डैश डैश डैश, ठीक है ना। These distances are in AP as the CD as the common difference D is equal to 8 minus 5 is equal to 11 minus 8 is equal to 14 minus 11 is equal to 3। हमें डिस्टेंस D कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें कितना निकालना है, हमें अब ऐसे निकालना है, तो अब और लिख दें इसको, द डिस्टेंस कवर्ड, सो द डिस्टेंस कवर टू पिक द पोटैटोज इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और एस एन कितने हैं, 10 थे ना,
एस टेन इज इक्वल टू 10/2 इंटू ए, ए कितना था हमारा 5, प्लस 10-1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस इज 3, डेट इज इक्वल टू 5 10 प्लस 9 इंटू 3 5 इंटू 10 प्लस 27 डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 37। अब 37 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 35 18 185। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, 185, किसमें, टू पिक द पोटैटो। तो सेम डिस्टेंस विल बी कवर, बकेट में डालने में भी इतनी डिस्टेंस लगेगी, तो आप लिख सकते हो एंड द सेम डिस्टेंस will be covered किसमें, टू ड्रॉप द पोटैटोज इन द बकेट दैट इज 185 मीटर में था ना, मीटर। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the competitor is equal to 2 into 185 meter is equal to 2 5 the 10 2 8 the 16 72 1 the 370 meter। ठीक है, जितनी जाने में टाइम भी लगे, जितना जाने में टाइम लगा या डिस्टेंस लगी, उतना ही आने में भी डिस्टेंस लगी। यहाँ से गई 5 मीटर, यहाँ से वापस आई 5 मीटर 10, यहाँ से गई 8 मीटर वापस आई 8 मीटर, यहाँ से गई 11 मीटर एंड बैक 11 मीटर। जितना जाने में डिस्टेंस लग रही, उतनी आने में भी डिस्टेंस उतनी ही उसे कवर करनी पड़ रही है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है कि 370 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये खत्म होता है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक लास्ट सवाल तक। थैंक यू वेरी मच।